साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के 3800 जिला और 45000 गांव में भूमि सर्वे की जो प्रक्रिया है शुरू हुई है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे अलग अलग कन्फ्यूजन है सर्वे को लेकर। हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है और उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हैं। अब उन तमाम क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन है, जो जेन्युइन आपको जवाब देने के लिए हमारे सर जो है कानूनगर सर जुड़े हुए हैं। सर से छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जो भी सर्वे को लेकर आपने कमेंट किया था मैंने उन सबका एक लिस्ट बनाया। साथियों देखेंगे करीब 30 से 35 ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है अगर आपको भूमि सर्वे करवानी है तो। ये वीडियो यकीन मानिए अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी आपको सर्वे में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपसे निवेदन रहेगा कि इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सर्वे को लेकर काफ़ी सारे लोग जागरूक नहीं है। लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि सरकार को भी आपको सपोर्ट करनी चाहिए। सर्वे कोई ज़्यादा परेशानी का चीज़ नहीं है, लोग जो है इसको थोड़ा सा भाष समझते हैं। सर आपको हर चीज़ बताएंगे, उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, और सर आपसे निवेदन है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे ताकि उन्हें लगे आपके बारे में कि आप किस पोस्ट पर है और अभी कहाँ कार्यरत है, ये सब भी सर थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्कार, आज आपके इस चैनल के जो भी श्रोता हैं उन सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम सैयद महबूब रज़ा है और मैं कानूनगो के पद पर पदस्थापित हूँ। फ़िलहाल वर्तमान में मेरे अंडर में 3 अंचल का प्रभार है, जिसमें बोखरा अंचल, बतनाहा अंचल और रीगा अंचल, ये 3 अंचल का प्रभार अभी वर्तमान में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में सर्वे का काम शुरू हो गया है। इससे पूर्व भी 2020 में सर्वे का काम शुरू हुआ था, लेकिन ये पूर्ण रूप से 3800 ज़िला में शुरू नहीं हुआ था। 20 ज़िला में शुरू किया गया था और उस 20 ज़िला में भी कुछ अंचलों में शुरू किया गया था। जैसे अभी सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी में सिर्फ 4 अंचल में कार्ड शुरू किया गया था उस समय, और बाकी 13 अंचल जो है उसको में सर्वे का कार्य शुरू नहीं किया गया था। लेकिन अब 2024 में नए सिरे से बिहार सरकार की तरफ से पूरे बिहार में 3800 ज़िला के सभी अंचल में नए सिरे से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। और सर्वे का काम शुरू करने के उपरांत अभी आप लोग हर तरह का वीडियो देखते होंगे, सर्वे की जो जानकारी है वीडियो के माध्यम से दी जाती है, अखबारों के माध्यम से दी जाती है, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दी जा रही है कि सर्वे का काम 1 साल में पूर्ण करना है, 2025 जुलाई तक इसको पूर्ण कर लेना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आम रैयत, जो आम किसान हैं, उनकी जागरूकता और उनकी सहभागिता। अगर आप जागरूक रहेंगे, आप पूरी तरह से सहभागिता दिखाएंगे, तो ये जो प्लान है सरकार का, जो प्रोग्राम है, ये बिल्कुल सफल रहेगा। लेकिन अगर आप सहभागिता कम दिखाएंगे इसमें, तो हो सकता है भविष्य में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन यही है कि जो भी प्रक्रिया सर्वे में आप लोगों को बताई जा रही है, भूमि सर्वेक्षण के बारे में जो भी चीज़ बताई जा रही है अलग अलग प्रक्रिया में, अपनी सहभागिता देकर जो भी ये योजना है सरकार की, इसको पूर्ण रूप से सफल बनाने में मदद करें। सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जो बिहार में अभी भूमि सर्वे चल रही है, ये भूमि सर्वे है क्या और इसे हमें क्यों करवानी चाहिए, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। देखिए, बिहार में जो भी अभी लैंड रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 38 ज़िला में कुछ ज़िले में रिविजनल सर्वे हुआ था, जो 1960 के दशक में हुआ था। लेकिन मैक्सिमम ऐसा ज़िला है जहाँ पर 1960 के दशक वाला जो रिविजनल सर्वे हुआ था वो भी नहीं हुआ है। यानी कि जो अंग्रेज़ के ज़माने में सर्वे हुआ था, जब हम लोगों के देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उस ज़माने में ही सर्वे हुआ था और वही सर्वे का सारा पेपर आज भी वहीं से संबंधित होकर आपको मिलता है। तो जो पुराना खतियान हो या पुराना जमाबंदी हो या इसके अलावा कोई भी लैंड रिकॉर्ड हो, ये सारा आपके पूर्वजों के नाम पर दर्ज होगा और उसको अभी आप लोग निकालने जाते होंगे, खोजने जाते होंगे, तो बहुत सारा पेपर आपको नहीं मिलता होगा। तो सरकार ने ये सोचा कि जो पुराना रिकॉर्ड है मेरा, वो सारे रिकॉर्ड को एक नए सिरे से अपडेट कर दिया जाए, और अपडेट करने के उपरांत जो अभी वर्तमान में उसके किसान हैं, जो रैयत हैं, उस ज़मीन के जो मालिक हैं, उनके नाम पर उसका रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इसकी कठिनाई नहीं हो पाए। जो
लैंड रिकॉर्ड है इसको अपडेट कर दिया जाए, और अपडेट करने के साथ साथ इसको ऑनलाइन अपडेट भी कर दिया जाए। ऑनलाइन अपडेट होने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जैसे अभी खतियान निकालने जाते होंगे अभी लेखागार में, तो बहुत सारे केस में आपको मिलता होगा कि खतियान फट गया है, नष्ट हो गया है, तो आपकी आपको इसकी कॉपी नहीं प्राप्त हो सकती है, ऐसा आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। लेकिन जब कोई चीज़ ऑनलाइन अपडेट हो जाती है तो आप आज से 100 साल बाद भी अगर उसको निकालना चाहेंगे तो वो पूर्ण रूप से संरक्षित रहती है, कभी भी आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भूमि सर्वेक्षण में दो चीज़ है, पहला तो लैंड रिकॉर्ड जो है जो पूर्वजों के नाम पर आपका है, वो पूर्वजों के नाम से हटके अभी वर्तमान जो उसके रैयत हैं, जो आम किसान हैं, जो भूधारी हैं, उनके नाम पे लैंड रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। दूसरा कि इसका ऑनलाइन अपडेशन हो जाएगा, जो भी काम होगा, जो नया खतियान बनेगा, नई जमाबंदी बनेगी या नया नक्शा बनेगा, ये सारी चीज़ को ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अपडेट करने से ये पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा और कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं। सर अगला ये प्रश्न मेरा रहेगा कि काफ़ी सारे लोग सर्वे तो करवाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सर्वे का कोई आसान तरीका हमें पता चले ताकि हम सर्वे आसानी से करवा सकें। तो सर्वे कराने का सर सबसे आसान जो तरीका है जैसे हर व्यक्ति सर्वे करवा सके, इसके बारे में सर बताइए। देखिए सर्वे की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल आसान है, लोग इसको वास्ट बना दिए हैं या समाज में इसको लेके एक तरह का मैसेज जा रहा है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, ज़मीन छिना जाएगी, बिहार सरकार हो जाएगी, या इस तरह का बहुत सारा मैसेज चल रहा है। तो उस मैसेज पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दें। सर्वे की प्रक्रिया बहुत आसान है, इसमें जो भी आप लोगों से दस्तावेज़ मांगा जा रहा है वो आपके ज़मीन का ही पेपर मांगा जा रहा है। तो ज़मीन का जो भी पेपर है वो आपके पास पहले से रहता ही है, अगर नहीं है तो उसको निकालने का कोशिश कीजिए, उसी के आधार पर अभी नया सर्वे बनेगा। अभी जो भी जमाबंदी आप लोगों की चल रही होगी वो पूर्वजों के नाम पे चल रही होगी, तो उसका अगर बंटवारा करना है तो बंटवारा इस सर्वे में हो जाएगा, अलग अलग सबके नाम से खतियान बन जाएगा ताकि भविष्य में आपकी ज़मीन पर कोई दावा नहीं कर सके। खतियान जो होता है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है किसी ज़मीन के लिए, टाइटल का एक प्रमाण है। अगर आप कोर्ट में जाते होंगे तो आपसे सबसे पहले खतियान मांगा जाता है कि खतियान आप दिखाइए, खतियान के आधार पर आप दावा कर सकते हैं। तो इस सर्वे में भी जैसे पूर्व के सर्वे में खतियान बनता था, वैसे इस सर्वे में भी नया खतियान बनेगा, नया नक्शा बनेगा, और इस दोनों को ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अपडेट करने से आप लोगों को ही सुविधा होगी, ये सुविधा है कि जैसे अभी आप लोग जाते होंगे खतियान निकालने तो आपको ज़िला जाना पड़ता होगा, अभिलेखागार का दौरा करना पड़ता होगा, तो जाके आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपको खतियान का नकल मिलता होगा। लेकिन जैसे ये सर्वे, इस सर्वे का नाम विशेष सर्वेक्षण है, स्पेशल सर्वे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो स्पेशल सर्वे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और नया खतियान बन जाएगा तो ये आपको डिजिटलाइज रूप में भी मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठे बैठे इस खतियान को, जो नया सर्वे का खतियान होगा, इसको घर बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर होने की वजह से उसकी 100% मान्यता रहेगी। अभी आप लोग देखते होंगे कि नेट से जो डाउनलोड करते हैं खतियान, उस पर साइन नहीं रहता है, और साइन नहीं रहने के साथ साथ उस खतियान के नीचे में 3 लाइन लिखा रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि इसके टंकन में बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती है, किसी भी साक्ष्य के तौर पर सक्षम न्यायालय में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो ऑनलाइन खतियान निकाल रहे हैं उसको इतिर रखते हुए अभी जो नया सर्वे शुरू होने वाला है, इस सर्वे का जो भी खतियान निकलेगा ऑनलाइन, वो ऑनलाइन खतियान पे आपका डिजिटल साइन रहेगा, वो प्रमाणित रहेगा, उसकी 100% मान्यता रहेगी। दूसरा कि अभी आप लोग जमाबंदी कायम करवाने जाते होंगे तो जमाबंदी कायम करवाने के लिए आपको अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता होगा, पूर्वजों के नाम पे है तो वंशावली दीजिए। बहुत सारे लोगों का पुराना जमाबंदी फट गया है, नष्ट हो गया है, तो अभी नई जमाबंदी कायम करवाने में उनको काफ़ी समस्या होती है, तो वो सारे चीज़ों का निदान इस सर्वे में है। आपके नाम से नया खतियान बनेगा, खतियान बनने के उपरांत आपके नाम से उसका ऑटोमेटिक जमाबंदी कायम हो जाएगा, आपको दौड़ भाग करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर्वे में जो प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रक्रिया से सर्वे बना हुआ है, हर प्रक्रिया से पहले आप लोगों को आमसभा करके उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है, तो उस जानकारी को आप लोग इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद जो भी पेपर आपसे मांगा जा रहा है, जो भी दस्तावेज़ आपसे मांग की जा रही है, ज़मीन पे दखल बताने के लिए बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ करवा के आप अपने नाम से नया खतियान बनवा सकते हैं। जैसे कि अभी एक चीज़ चल रही है कि सर्वे की जो पहली प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया में एक नोटिस निर्गत होती है,
हर अंचल के लिए, हर राजस्व ग्राम के लिए कि आपके गांव में सर्वे का काम शुरू हो गया है, और सर्वे के काम शुरू होने के साथ साथ क्या क्या प्रक्रिया है वो सारी चीज़ उसमें लिखी रहती है। उसमें ये भी रहता है कि आपका जो ज़मीन है, आपकी जो भूमि है, उसका अगर सीमांकन नहीं है तो सीमांकन कर लें। बंटवारा अगर करवाना है आप लोगों को तो बंटवारा नामा, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, वो सब बना के तैयार रखें। आपके प्लॉट पे जो सर्वे कर्मी जाएंगे तो सर्वे कर्मी को अपना जो भी साक्ष्य है या जो भी दखल है वो आप दिखाएंगे वहाँ पर। अगर उनको कुछ कार्य करने में कुछ बाधा उत्पन्न होती है आपके, जैसे आपके खेत में बड़ा बड़ा झाड़ी लगा हुआ है तो वहाँ पे पैमाइश करने में हो सकता है समस्या उत्पन्न हो, तो जो भी सर्वे कर्मी आपके पास जाएंगे तो उनको वो आप बाध नहीं करेंगे कि आपका वो चीज़ नुकसान नहीं कर पाएँ। हो सकता है कुछ देर के लिए आपका कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो गया मेज़रमेंट करने में, तो आप उसको बाध नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, आप उनको अलाउ करेंगे कि आप जाइए मेज़रमेंट लीजिए और जो भी नक्शा है उसको बनाइए। तो ये सारी चीज़ नोटिस के द्वारा आपके गाँव में, समाज में दिया जाता है। जो आपके गाँव के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से भी हम लोग सूचना गाँव में देते हैं। उसके उपरांत हर गांव में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है, जो आम सभा का आयोजन करके हर गांव में जो भी प्रक्रिया है सर्वे की वो बताई जाती है। उसी आम सभा में आप लोगों को बताया गया था कि अभी वर्तमान में सबसे पहला जो दायित्व है आम रैयतों का, आम किसानों का, वो ये दायित्व है कि फॉर्म आता है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक, अगर आपके पास खुद के केवाला की ज़मीन हो या पूर्वजों के नाम की खतियानी ज़मीन हो या पूर्वजों के नाम पे केवाला की ज़मीन हो, तो ये सारे ज़मीन का ब्यौरा सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाना रहता है और उसी के आधार पर फिर आगे की सारी कार्रवाई होती है। तो वो सारा ब्यौरा आपको फॉर्म 2 और 3-1 में भर के अपने दस्तावेज़ के साथ, जो भी साक्ष्य ज़मीन का प्रमाण है वो सारा लगा कर, अपना आधार कार्ड लगा कर सर्वे ऑफिस में ला के जमा करना पड़ता है। उसमें कुछ डिटेल है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या भरना है, वो डिटेल आप लोग गौर से सुन लीजिए। फॉर्म 2 जो होता है वो 1 पेज का होता है और फॉर्म 3-1 जो होता है वो 2 पेज का होता है। तो फॉर्म 2 भरने का तरीका यह है कि ऊपर में आपसे डिटेल पूछेगा राजस्व ग्राम का नाम, तो आप जिस राजस्व ग्राम में ज़मीन धारित करते हैं उस राजस्व ग्राम का नाम वहाँ पर दर्ज करना है। उस हर एक राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एक ही नाम का 2 गांव आपके ब्लॉक में हो सकता है, आपके अंचल में एक ही नाम का 2 गांव हो सकता है। तो अगर 2 नाम है एक ही तरह का और अगर हम वो नाम बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि किस गांव की बात हो रही है। तो ऐसे केस में उसको पहचान करने के लिए एक नंबर दिया जाता है, हर राजस्व ग्राम को एक नंबर दिया जाता है जिसको रेवेन्यू थाना नंबर बोलते हैं, राजस्व थाना नंबर बोलते हैं। तो हर राजस्व ग्राम की पहचान उसके एक थाना नंबर से की जा सकती है कि किस राजस्व ग्राम की बात हम कर रहे हैं। तो राजस्व ग्राम के साथ साथ आपको उसका राजस्व थाना नंबर जो है वो वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, आपका पुलिस थाना जो है वो वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, आपका कौन सा अंचल है वो दर्ज करना पड़ेगा और आपका कौन सा ज़िला है वो दर्ज करना पड़ेगा। उसके नीचे आप लोग देखते होंगे फॉर्म 2 में 11 कॉलम का टेबुलर कॉलम रहता है, टेबल बना रहता है, 11 कॉलम होता है उसमें और हर कॉलम में अलग अलग डिटेल आपको भरना है, जिसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं कि जो भूमि धारित करता है, जो भूमि का जोतरो कोर कर रहा है, उस आम किसान को सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत अगर सिंगल है, जैसे आप लोग एक आदमी जोत रहे होंगे, एक भाई जोत रहे होंगे किसी ज़मीन को, या तो केवाला करवाए होंगे या बंटवारा के आधार पर खतियानी ज़मीन आपको प्राप्त हुई होगी, तो एक आदमी अगर जोत रहे होंगे तो एक रैयत का नाम वहाँ पर दर्ज होगा, और अगर उसी जगह पर 3 भाई 4 भाई मिल के अगर उसको जोत कोर कर रहे हैं तो सारे भाइयों का नाम वो करके आप दर्ज कर सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद सबसे लास्ट में अपने पिताजी का नाम दर्ज कीजिएगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता, कि आपका घर कहाँ है। हो सकता है कि आपका घर एक गांव में है लेकिन आपकी ज़मीन 3 गांव 4 गांव में होगी, तो हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म भराएगा और अस्थाई पता जो है आपका वो हर फॉर्म में एक ही रहेगा जहां पे आपका घर बना हुआ है। तीसरा कॉलम जो होता है वो ज़मीन के ब्यौरा से संबंधित होता है, वो आपके पेपर पे भी लिखा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खाता नंबर। खाता नंबर का मतलब ये है कि हर एक रैयत को एक, जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते होंगे तो अकाउंट नंबर एक रहता है और अकाउंट नंबर के अंदर में आपके सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल रहता है कि कितना कितना ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है। वैसे ही खतियान में एक अकाउंट नंबर मिलता है, हर एक रैयत को एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसको खाता नंबर हम लोग बोलते हैं। उस खाते नंबर के अंदर में जितना भी आपका प्लॉट है, जितना भी खेत है, वो सारा दर्ज किया रहता है। एक खेत है तो एक खेत दर्ज रहेगा, अगर आपके पास 10 खेत है तो 10 खेत का नंबर उसमें दर्ज रहेगा। तो वैसा ही इसमें भी सर्वे में भी आपका खाता नंबर रहता है जो आपके
जो भी पेपर आपका होगा, ज़मीन का जो भी प्रमाण होगा, खतियान है, केवाला है, पर्चा है, वो सारे पे लिखा रहता है खाता नंबर, तो वहाँ से देख के आपको खाता नंबर दर्ज करना है। उसके बाद दूसरा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब हो गया कि प्लॉट का नंबर, जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, जिस प्लॉट का साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, वो मानचित्र में भी दिया रहता है और आपके पेपर में भी दिया रहता है, तो आप पेपर से देख के अपना प्लॉट नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद का कॉलम है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया। एरिया का मतलब ये हुआ कि कितनी भूमि है आपकी, कितना डिसमिल ज़मीन है या कितना कट्ठा ज़मीन है। आम तौर पे जो सरकारी दस्तावेज़ में ज़मीन की पैमाइश चलती है वो आपको एकड़ और डिसमिल में चलती है। आप गांव घर में देखते होंगे कि आप कट्ठा में उसको मेज़रमेंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग कट्ठा में बात करते हैं, लेकिन सर्वे की जब भी बात होगी तो वो वहाँ पर एकड़ और डिसमिल ही चलेगा, वहाँ पर कट्ठा और धुर धुर की नहीं चलेगा। तो आपको वहाँ पर जो भी डिसमिल है, कितना डिसमिल ज़मीन आपकी प्राप्त है, वो प्लॉट कितना डिसमिल का है, वो वहाँ पर दर्ज करना है। उसके आगे कॉलम आता है चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब है कि वर्तमान चौहद्दी। आपके पेपर पे हो सकता है कि उस समय की चौहद्दी दर्ज होगी जो इस समय आपका पेपर बना है। जैसे खतियान की बात अगर हम करते हैं तो खतियान में 1960 में खतियान बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था और 67-68 में जाके वो फाइनल हुआ, तो 67-68 में जो आपकी चौहद्दी रही होगी वो खतियान पे दर्ज है। या फिर आपने केवाला करवाया होगा तो जब भी केवाला करवाया होगा उस डेट में आपके चौहद्दीदार जो रहे होंगे उनका नाम वहाँ पर दर्ज किया होगा, लेकिन वर्तमान में आपको वो चौहद्दी नहीं लिखना है जो आपके पेपर पर दर्ज है, वो चौहद्दी लिखना है जो आपके खेत के आसपास आपके चौहद्दीदार हैं। हो सकता है उसमें बहुत सारे चौहद्दीदार पेपर के अनुसार आपके बदल गए होंगे वर्तमान में। 5 साल 6 साल अगर पुराना पेपर आपका होगा तो वर्तमान में हो सकता है कोई नए केवालादार आ गए होंगे तो आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको उस नए चौहद्दी के हिसाब से जो आपके चौहद्दीदार हैं वो वहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आता है किस्म ज़मीन। किस्म ज़मीन का मतलब हो गया कि आप ज़मीन का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, उस पर क्या बना हुआ है या क्या किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी ज़मीन पे घर बना दिया गया है तो वैसी ज़मीन को हम लोग घरारी की ज़मीन बोलते हैं। तो अगर किसी ज़मीन पे घर बना हुआ है तो किस्म ज़मीन में आप लिख दिए घरारी की भूमि, या फिर वहाँ पर आप मकान मैसहन भी दर्ज कर सकते हैं। मकान मैसहन का मतलब भी वही हुआ कि वहाँ पर घर बना हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर खेती की कोई ज़मीन है तो वहाँ पर कृषि वाली भूमि लिख दीजिए या कृषित भूमि लिख दीजिए या खेती की भूमि लिख सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि ज़मीन पे अपने लोग गाछी वगैरह लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, इस तरह का बहुत सारा पेड़ लगाते हैं। तो ऐसा अगर कोई स्थिति है तो आप उसको किस्म ज़मीन में बागीचा या गाछी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि अपनी ज़मीन में पोखर वगैरह खनवाते हैं, मछली पालन करते हैं शौकिया, तो वहाँ पे पोखर खनवा लेते हैं। तो अगर वैसा कोई बना हुआ है, पोखर है, तालाब है, तो वहाँ पे किस्म ज़मीन में आप पोखर या तालाब दर्ज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपका ज़मीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वो उपयोग के हिसाब से उसका वेरिफिकेशन आप वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसका अगला कॉलम जो होता है वो होता है लगान का। लगान और इसके बाद का कॉलम है जमाबंदी। लगान और जमाबंदी के केस में आप लोगों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हर आमसभा में ये हम बताते हैं कि अगर आपकी जमाबंदी कायम नहीं हुई हो या आपका लगान फिक्सेशन नहीं हुआ हो, आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में इसका पूरा नियम है कि आपका जो दाखिल खारिज का जो नियम होता है या जो जमाबंदी कायम करने का नियम होता है, सेम प्रोसेस इस सर्वे में भी है। उस अनुसार उसका सत्यापन करके हम लोग आपके नाम से नया खतियान ही बना देंगे, तो आपको अलग से दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। हर आमसभा में ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा केवाला है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लगान नहीं कटवाते हैं, मेरा रसीद नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे। तो वैसे ही स्थिति में आप लोग लगान का कॉलम या जमाबंदी का कॉलम जो है इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी कॉलम नहीं है। और अगर आपका लगान निर्धारण नहीं हुआ है या आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में उसका इलाज है, उसका रूल है, रूल के अनुसार सत्यापन होगा और सत्यापन के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से ऑटोमेटिक खतियान बनने का प्रोसेस ही शुरू हो जाएगा। आपके नाम से जमाबंदी अलग से कायम हो जाएगी खतियान बनने के बाद, आपको नई जमाबंदी कायम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो कॉलम है जिसको अगर आपके पास है तो वहाँ पर दर्ज कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो वो कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। उसका अगला कॉलम आता है ज़मीन पे दावा का आधार। ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है पूरे फॉर्म का। फॉर्म का इसलिए महत्वपूर्ण कॉलम है
कि इससे ही साबित होता है कि आप उस ज़मीन के मालिकाना हक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि ज़मीन पे जो आप दावा किए हुए हैं, जो कब्ज़ा किए हुए हैं, वो किस आधार पे कब्ज़ा किए हुए हैं, आपका उसमें हक बनता है या नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। उसमें जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि आपके पूर्वजों के नाम की ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पूर्वजों के नाम की ज़मीन होगी, तो पूर्वजों के नाम की ज़मीन दो तरह से हो सकती है। पहला, या तो आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान दर्ज होगा तो आपको मिला होगा वो, या फिर आपके पूर्वजों ने केवाला करवाया होगा तो आपको वो प्राप्त हुआ होगा। तो अगर पूर्वजों के नाम की कोई भी ज़मीन है, अगर खतियानी ज़मीन है, तो वहाँ पे दावा के आधार में आप लिख दीजिए खतियानी ज़मीन, या उत्तराधिकारी ज़मीन भी लिख सकते हैं उसको, खतियानी भूमि या उत्तराधिकारी भूमि भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पूर्वजों के द्वारा केवाला करवाया गया है तो वहाँ पर लिख दिए पूर्वजों के द्वारा क्रय से प्राप्त भूमि। इससे ये साबित हो जाएगा कि आपके पूर्वजों ने उसका केवाला करवाया था, रजिस्ट्री करवाया था, तब आपको वो वंशज होने के नाते प्राप्त है। वैसी स्थिति में अगर आपने खुद केवाला करवाया है तो आपके नाम से वो केवाला होगा, और आपके नाम से जब केवाला होगा तो वहाँ पर लिख दिएगा कि केवाला से प्राप्त भूमि। वैसे भूमि जो आपके पूर्वजों के नाम से है, जैसे आपके पूर्वजों के नाम से खतियान है या आपके पूर्वजों के नाम से केवाला है, तो इस दोनों केस में आपको वंशावली समर्पित करना पड़ेगा, वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा। इससे ये साबित होगा कि ये आपके पूर्वज थे जिनका नाम उस पेपर में दर्ज है, वो आपके पूर्वज थे और आप उनके वंशज हैं। तो ये प्रमाणित करने के लिए आपको वंशावली बनाने की ज़रूरत है और वंशावली आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। वंशावली के केस में एक चीज़ और क्लियर मैं कर देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि वंशावली के केस में अभी देखते होंगे लोग बहुत परेशान हैं कि वंशावली कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, पहले सरपंच बनाते थे, अब सरपंच वाला वैलिड होगा या नहीं होगा, या अंचल से बना हुआ है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ है। तो वैसा बता दें आप लोगों को कि अगर जब सरकार का रूल चेंज होता है तो सरकार का रूल चेंज होने से पहले का अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो 100% वैलिड होता है, और सरकार के रूल बदलने के बाद अगर कोई पुराना तरीके से कोई प्रमाण निर्गत होता है, कोई पेपर निर्गत होता है, तो वो अमान्य हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2023 में एक रूल आया था पंचायती राज की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से, कि जो पूर्व में वंशावली बनती थी वो सरपंच महोदय के द्वारा बनाया जाता था, सिर्फ सरपंच महोदय अपने लेटर पैड पे बना के दे देते थे तो वो 100% मान्यता होती थी। लेकिन उसको चेंज करके एक नया सिस्टम लाया गया, उस नए सिस्टम में ये किया गया कि सरपंच के अलावा भी कुछ लोगों को उसमें जोड़ दिया गया। जोड़ने के लिए के पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग, अगर सरपंच आपके हित के लोग हैं तो आप उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छिपा सकते हैं और अपने हिसाब से उस वंशावली को बनवा सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्लेम सरकार की तरफ से के पास गया था कि जैसे चार भाई हैं आप, एक भाई यहाँ नहीं रहता है, जाके बस गया है कहीं बाहर में, उसकी जॉब वगैरह वहीं है तो वहीं रहता है हमेशा, 20 साल से 25 साल से गांव में नहीं आ रहा है, लेकिन ज़मीन और जायदाद से तो उसका हक जाएगा नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलत जालसाजी करते हैं, और जालसाजी करने के क्रम में जो वंशावली बनाते हैं उस वंशावली में उस भाई का नाम ही गायब कर देते हैं, वहाँ पर दिखाते ही नहीं हैं। सरपंच आपके हित के आदमी थे तो उस समय उसको ट्रस्ट में लेके या जैसे भी करके गलत काम आपने करवा लिया। या बहुत सारे लोगों को आम प्रचलन में आप देखते होंगे गांव घर में कि जब भी वंशावली बनती है तो वंशावली में जो आपकी बहन हो, बेटी हो या बुआ हो, इसका नाम दर्ज नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत सारा केस कोर्ट में गया, सरकार के पास गया कि जो वंशावली बन रही है सरपंच की तरफ से, सरपंच महोदय की तरफ से, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ रह जाती है, बहुत सारी कमी रह जाती है, बहुत सारे लोगों का गलत नाम दर्ज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सुधार लाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया। नया सिस्टम के तहत ये किया कि आपके ही गांव के समाज के कुछ जनप्रतिनिधि या सामाजिक जो लोग होते हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सत्यापन करने के लिए दिया गया कि जो वंशावली आप बना के दे रहे हैं तो उसको एक बार अपने स्तर से सत्यापित करवा लिया जाए, और सत्यापित करवाने के बाद आपके समाज से हटकर जो विभाग के स्टाफ होते हैं, जिसको पंचायत सचिव बोलते हैं, उस पंचायत सचिव को भी उसमें जोड़ा गया कि आप भी अपने स्तर से उसको सत्यापित कर लेंगे, और सत्यापित करने के बाद जो आपके राजस्व के, जो आपके पंचायत के सरपंच महोदय होंगे और जो पंचायत सचिव होंगे, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वो वंशावली निर्गत होगी। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली का फॉर्म आता है उस पर सत्यापन के लिए आप लोगों को गांव के जो आपके मुखिया जी हैं उनका साइन, आपके वार्ड मेंबर जो हैं उनका साइन, आपके जो गांव के चौकीदार होते हैं उनका साइन,
आंगनवाड़ी सेविका जो होती हैं उनका साइन, ये सारा साइन उस पर लगता है, सब लोग उसको सत्यापित करते हैं। उसके उपरांत आपके समाज के कोई दो ऐसे लोग, कम से कम दो लोगों का उस पर नाम दर्ज करना है, जो गवाह के तौर पर ये साबित करेंगे कि हाँ ये जो वंशावली बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। तो उसमें दो लोगों की गवाही भी होती है, उनका नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा दर्ज करवाया जाता है। तो ये सारा करने के बाद वो सत्यापित जैसे ही हो जाएगी तो सत्यापित के उपरांत पंचायत सचिव के पास जाएगा, वो एक आम सूचना निर्गत करेंगे कि इनके द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत किया गया है, आप लोग इसको देख के सत्यापित हो लें, अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है या कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग ग्राम कचहरी को इसकी सूचना देंगे। ये 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 दिन के समय के उपरांत अगर कोई आपत्ति उस पर नहीं आती है तो पंचायत सचिव और सरपंच साहब जो आपके गाँव राजस्व ग्राम के या पंचायत के हैं उनके संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत होती है। लेकिन वंशावली बनाने का प्रक्रिया थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए एक और ऑप्शन है जो सर्वे में आप लोगों को मेरी तरफ से या विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि आपका जो भी वंशावली है वो आप लोग एक एफिडेविट पर बनवा लीजिए। अभी भी आप लोग जाते होंगे वंशावली बनाने के लिए तो एक एफिडेविट का इस्तेमाल होता है, वो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता होगा, तो वैसे ही आप एफिडेविट बनवाइए जिसका काम उस वंशावली में भी होगा जो पंचायत से बनता होगा, और उसी का एक फोटोकॉपी सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवा दीजिए ताकि उस आधार पर उस वंशावली का जाँच हम लोग अपने स्तर से भी आम सभा लगाकर जांच करवा लें, और जांच करवाने के उपरांत आपका सर्वे का काम हो जाए। तो वैसे लोग जिनको समस्या हो रहा है नया वंशावली बनाने में, जो नई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वंशावली बनाने में, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप लोग जो एफिडेविट बनवा रहे हैं उस एफिडेविट का फोटोकॉपी आप मेरे सिविल कार्यालय में ला के जमा कर दीजिए फॉर्म के साथ, उसके आधार पर हम लोग उसका खुद से उसका सत्यापन करवाएंगे आम सभा लगाकर आपके गांव में, और सत्यापन होने के उपरांत फिर आपके नाम से नया खतियान बनने का प्रोसेस दर्ज होगा। तो अगर कोई भी ऐसी ज़मीन जो आपके पूर्वजों के नाम पर है, जिनका डेथ हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली लगाना है। लेकिन अगर आपके नाम पर कोई पेपर दर्ज है, खतियान या केवाला आपके नाम पर है, तो फिर आपको उसमें वंशावली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वंशावली नहीं लगाना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भूमिहीन किसान आप लोगों के गांव में ही होंगे जिनको रहने के लिए, बसने के लिए घर नहीं होता है, तो उनको पर्चा निर्गत किया जाता है सरकार की तरफ से, अंचल की तरफ से। उसमें अगर सरकारी कोई ज़मीन पर बसा हुआ है तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होती है, बंदोबस्ती पर्चा अगर आपके पास है वो, तो वो बंदोबस्ती पर्चा की भूमि हो जाएगी और वहाँ पर दर्ज आपका हो जाएगा बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि। बहुत सारे रैयती ज़मीन को दूसरे रैयत को रहने के लिए दिया जाता है जिसके लिए अंचल से वास्कित पर्चा निर्गत करवाया जाता है। तो अगर वास्कित पर्चा से कोई प्राप्त भूमि है आपकी तो वहाँ पर दावा के आधार में आप लिख दिए वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे भूमिहीन किसान लोगों को कि भूदान से ज़मीन प्राप्त होती है, तो अगर भूदान की ज़मीन आपको प्राप्त है तो वहाँ पर लिख दिए भूदान के पर्चा से प्राप्त भूमि। तो जो भी आपके पास प्रमाण है, जो भी उस ज़मीन का साक्ष्य है, उस साक्ष्य को वहाँ पर दर्ज करना है कि किस साक्ष्य के आधार पर आपको ये ज़मीन प्राप्त हुई है, तो वो साक्ष्य आप वहाँ पर दर्ज कर दीजिए। खतियानी है तो खतियानी, केवाला है तो केवाला, पर्चा है तो पर्चा, जो भी है साक्ष्य वो वहाँ पर दर्ज कीजिए। उसके बाद लास्ट कॉलम है जिसमें आपको अभियुक्ति का कॉलम दिया हुआ है। अभियुक्ति कॉलम में कुछ डिटेल ऐसी होती है जो डिटेल आपको फॉर्म में नहीं पूछी गई है, लेकिन वो डिटेल आपको हमको देना ज़रूरी होता है, तो वो सारा वैसा डिटेल आपको अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे किसी ज़मीन पर विवाद चल रहा है, तो विवाद की स्थिति ये होती है कि आपकी ज़मीन पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है तो भी विवाद होगा, या फिर उस विवाद, वो विवाद भरकर एक रजिस्टर्ड फॉर्म में चली जाए और वो रजिस्टर्ड फॉर्म है कोर्ट केस। तो अगर किसी ज़मीन पर कोर्ट केस चल रहा है तो वो सारी स्थिति आपको अभियुक्ति कॉलम में सर्वे ऑफिस को जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे अगर कोर्ट केस किए हुए हैं तो वाद संख्या आप वहाँ पर लिख दिए, जो केस नंबर होता है वो केस नंबर लिख दिए, किस साल में केस हुआ है वो सन लिख दीजिए, और उसकी स्थिति अभी वर्तमान में क्या है वो वर्तमान स्थिति वहाँ पर दर्ज कर दीजिए। या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो केस नहीं किए होंगे, आपकी ज़मीन है किसी और दूसरे के द्वारा कब्जा किया हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप वहाँ पर अभियुक्ति कॉलम में बकब्ज़े, जो आपका कब्ज़ा किए हुआ है वो बकब्ज़ेदार में उसका नाम वहाँ पर दर्ज कर दिए। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ज़मीन का प्रमाण आपके पास है, ज़मीन का पेपर आपके पास है, लेकिन कब्ज़ा कोई और किया हुआ है। तो कब्ज़ाधारी जो है उससे भी हम पेपर मांगेंगे, अगर वो पेपर उपलब्ध करवा देता है, सही पेपर उसका रहता है, तो उसके नाम से खाता खुलेगा, अन्यथा की स्थिति में जिसके नाम से प्रमाण है, ज़मीन का पेपर है, उसके नाम से खाता खुलने की प्रक्रिया अभी होगी, ये नए सर्वे में उसके नाम से खुलेगा। तो ये फॉर्म 2 है, ये सारा डिटेल भरने के बाद नीचे में आपका हस्ताक्षर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका आधार कार्ड है, ये सारा डिटेल आपको भरना है,
हस्ताक्षर करना है, अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान लगाइए और ये सारा डिटेल भर के उसके बाद